एसी थर्ड ईयर आज हम डिस्कस करते हैं आईडीएम प्रैक्टिस इन साइट्रस साइट्रस पेस्ट वीड एंड डिजीज कंट्रोल साइट्रस पेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से पेस्ट प्रॉब्लम को रोका जा सकता है और एनवायरमेंट को बुरी तरह प्रभावित करने वाले पेस्टिसाइड्स यूज को भी कंट्रोल किया जा सकता है साइट्रस वीड कंट्रोल टेक्निक्स एंड देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर और मैनेजमेंट डिसीजन के आधार पर जो है साइट्रस uh, और कार्ड्स में uh, बहुत तरह के वीड्स पाए जाते हैं जो पोषण uh, तत्वों के लिए भी कंपीट कंपीट करते हैं प्रतिस्पर्धा रखते हैं और वाटर के लिए और लाइट के लिए भी प्रतिस्पर्धा रखते हैं जिससे उपज में भारी गिरावट आ जाती है इस प्रकार वीड्स यंग साइट्रस साइट्रस प्लांट्स के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं ये ट्री ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं और इंसेक्ट तथा डिजीज अटैक को के रिस्क को बढ़ा देते हैं मैच्योर साइट्रस टीज की शेडिंग के कारण वीड्स एक्सपेंशन में कमी आ जाती है एक बार यदि ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये इरिगेशन में और अदर ऑपरेशन में बगीचों में बहुत अधिक इंटरफेयर करते हैं वीट मैनेजमेंट प्रैक्टिस में कल्चरल बायोलॉजिकल केमिकल एंड मकैनिकल मेथड्स आते हैं ऑर्गेनिक मल्चिंग एक कल्चरल वीट कंट्रोल है जिसमें सॉलिराइजेशन आता है इसमें प्लास्टिक शीट से सॉइल को कवर कर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है और हीट से बहुत से वीड सीड्स और इंसेक्ट जो हैं वो मर जाते हैं सोलराइजेशन जो है वो ग्रोइंग पीरियड में भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वीट कंट्रोल की बायोलॉजिकल प्रैक्टिस जो है उसमें इंटरक्रोपिंग आती है केमिकल प्रैक्टिस में हर्बिसाइड्स का यूज़ आता है कॉमन साइट्रस जो हर्बिसाइड्स हैं वो यंग और मैच्योर साइट्रस और कार्ड्स में अप्लाई किए जाते हैं जिसमें फ्लोरोजॉन नॉर नॉरफ्लोरेजोन थाया जो पायर ट्राई फ्लोरेलिन ऑक्सी फ्लोरफेन आदि हैं इनमें से कुछ जो पेस्टिसाइड हैं वो जो कैटेगराइज किए गए हैं प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस स्टेज के लिए भी जो कुछ तो इनमें से जो सॉइल अप्लीकेशन के रूप में काम में लिए जाते हैं और कुछ फोलियर रूप से अप्लाइड किए जाते हैं साइट्रस डिज़ीज़ कंट्रोल मेजर्स एंड देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स मेन जो साइट्रस डिजीज हैं वो साइट्रस ग्रीनिंग सूटी कैंकर अल्टरनेरिया फ्रूट रोट ब्राउन वुड रोट स्टर्बन डिजीज टिस्टेजा वायरस ड्राई रोट रूट रोट साइट्रस कैंकर फ्रूट रोट ब्राउन रोट ऑफ फ्रूट अल्टरनेरिया ब्राउन स्पॉट पोस्ट ब्लूम फ्रूट ड्रॉप स्टार मेलिनोज रोगों से प्लांट को बचाने के लिए सबसे पहले जिस नर्सरी में जो प्लांट नर्सरी है उसमें डिज़ीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है तो वहाँ पर सभी इन्फेक्टेड प्लांट्स को निकाल देना चाहिए और डिजीज़ फ्री सीडलिंग का ट्रांसप्लांटिंग की जानी चाहिए केमिकल कंट्रोल के लिए जो है केमिकल्स का छिड़काव किया जाना चाहिए और जिससे वातावर ऐसे केमिकल का यूज़ किया जाना चाहिए जिससे वातावरण का भी कम से कम नुकसान हो गमोसिस डिज़ीज़ के मैनेजमेंट के लिए डिजीज़ पोर्शन को शार्प नाइफ़ से खुरज कर निकाल देवें और मर्क्यूरी क्लोराइड का ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट से कट सरफेस से साफ किया जा करें या पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशन एक परसेंट कॉटन स्वैब से लगा देना चाहिए इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट पर ग्राउंड लेवल से लगभग एक मीटर ऊपर की तरफ का स्टेम्प बॉडक्स मिक्सचर डिजीज़ स्टैम पर बोडक्स मिक्सचर लगा देना चाहिए जो डिजीज़ को कंट्रोल करता है साइट्रस डिप्लोडिया गमोसिस के मैनेजमेंट के लिए डेट ट्विक्स को प्रूनिंग करके uh, उसे बेनोमाइल से स्प्रेइंग की जानी चाहिए कैंकर के मैनेजमेंट के लिए इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को इकट्ठा करके जला देना चाहिए और कट्स को बॉडक्स पेंट से डिसइंफेक्टेंट किया जा सकता है ताकि डिजीज़ को फर्दर स्प्रेड को रोका जा सके नेक्स्ट इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के जो है वो तीन स्प्रेइंग की जाती है जिसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हंड्रेड पीपीएम और प्लस पाँच ग्राम कॉपर सल्फेट सौ लीटर पानी में मिलाकर या ब्लाइटॉक्स जो है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट के हिसाब से या नीम के एक जो है सस्पेंशन लिया जाता है आ, तो फरवरी अक्टूबर और दिसंबर में जो है तीन स्प्रेस के किए जाते हैं ये डिजीज़ कंट्रोल में बहुत हेल्प करते हैं साइट्रस स्क्रीनिंग डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए वेक्टर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए फॉस्फेमिडोन या पैरा थियोन को जो है स्प्रे किया जाना चाहिए ये निम्बॉर एडल्ट्स को इंसेक्ट एडल्ट्स को कंट्रोल करता है सॉइल अप्लीकेशन के लिए फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए थैंक यू